मैंने दो चक्र गा के देख लिया। हम ऐसी कोई धुन नहीं गाएंगे जो आपकी नॉलेज में ना हो। और क्या बात है, बहुत सस्ती सी तर्ज है। वाह बेटे, सस्ती मद्दी फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ऐसे नहीं जाएगी मेरी तरफ से, ऐसे नहीं जा पाएंगे। छोटा सा उपहार आप, और क्या, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये कार्यक्रम आज हो जाएगा, लेकिन ये कार्यक्रम की हर एक याद इनके कैमरे में रहेगी। और क्या, और क्या बेटा मुकेश, जरा मुस्कुराइए बेटा, और मुस्कुराइए क्योंकि आप कैमरे की नजर में हो। संजय भैया की तरफ से बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, सुनेगा सुनिए। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो वैसी है तुम ही हो, मैं तो आओ लोगों, नशे में चूर है बहुत मगरूर है, नशे में चूर है ये बड़ा मगरूर है, ये उसने हाजिर है, उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, ये कोई थप्पड़ से ना मारे, फिल्मी दुनिया वालों में गया हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। लेकिन भाई भाई हुस्न हाजिर नहीं कि हुस्न गायब है। लाइन सुनिएगा, आनंद आ जाएगा भैया जी। हुस्न गायब है मियां मजनू जेल खाने में, हुस्न गायब है मियां मजनू जेल खाने में, और सिर्फ पैसे की मोहब्बत है इस जमाने में। क्या बात है भैया, हमारे श्री योगेंद्र यादव जी, भैया मुनीश यादव जी, आपके कृपाणों से 51 पद मुद्राएं हैं, बड़े भैया की तरफ से भी 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, सुनिए सुनिए। इधर महाराज दशरथ जी ने आईना देखा, दर्पण, कितने अहम बात है, महाराज दशरथ ने आईना देखा, उन्होंने देखा कि मेरे कान के बगल में कुछ बाल सफेद हो गए, बाल सफेद कहां हुए, कान के बगल में, ऊपर नहीं हुए पीछे नहीं हुए, कान के बगल में क्यों, मानो बाल ये कह रहे हैं कि महाराज अब तो ये सब सिंहासन राज सब उनको सौंप दो। क्यों, क्योंकि जब तुम जन्मे थे तुम बाल थे और हम भी बाल थे, जब तुम जन्मे तुम भी बाल थे हम भी बाल थे, और आज
राजा बूढ़े हो गए और हम अब भी आप बूढ़े हो गए हम अब भी बाल 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 ही हैं। इसलिए अब ये सब उनको सौंप दो। महाराज दशरथ ने निर्णय कर लिया कि मैं ये युवराज राम को देना चाहता हूँ। लेकिन इधर देवताओं ने सोचा कि अगर ये राज राम जी को मिल जाएगा तो जिनके लिए अवतार हुआ है राम जी वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मंत्रा की जिभ्या पर देवताओं ने सरस्वती को बिठाया। सरस्वती आई जिभ्या पर बैठ गई। अब लाइन में सुनेगा। मंत्रा पहुंची माता कैकेयी के पास। सुनिए कैकेयी माता बैठी है। मंत्रा ने कहा रानी रानी राजवीर अरे तुम तो भोली हो कितनी जरा भी हो नहीं समझ गई कि काम हो गया। तो मंत्रा सोच रहे क्या क्या सोचा दासी ने आपस में बैर बढ़ाने को भैया सोचा दासी ने आपस में बैर बढ़ाने को पाती तिनी ही काफी है आग लगा धन्यवाद है भैया की तरफ से 51 पद मधुराएं। बात इतनी काफी है आग लगाने को। दूसरी जगह देखिए आग लगाई गई। जिस समय अभी गा रहे थे कि सूप नखा के नाक कान काटे गए और सूप नखा जाकर के रावण के पास पहुंची। कहने लगी भैया भैया नशे में डूबे हो इतने जरा होश नहीं कटी है नाक बहना की तो
अगर हो नाक वाले राजू भैया, अगर हो नाक वाले नाक अपनी बचा लो, नाक का ले लो बदला या नाक अपनी कटा लो। क्योंकि सूर्पनखा भी चाहती थी कि इसका कुल का विनाश हो जाए। अब लाइन तो सुनिएगा, जटाने को बात इतनी ही काफी है आग लगाने भी बदला ही ले रही है। हाँ, बात इतनी रावण के आग लगा दी उसने, मंथरा ने अवध कुल में आग लगा दी। कैकेयी के हृदय में आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, सुनिए। और लाइन अगर आप तक पहुंच जाए छेदलाल भैया, भैया भैया सुनिएगा, सुनिए। जनक इधर अवधपुर में एक बहुत बड़ी बात फैल गई। क्या बात है? बात क्या है? तुझे मर्यादा का अपनी जरा भी ख्याल नहीं, तुझे अपना कहूं उठता अब सवाल नहीं। ये कौन कह रहा है? कौन? जात का हूं मैं धोबी, धोबी अपनी पत्नी से कह रहा कि कहां रात गुजारी। भैया जी, जात का हूं मैं धोबी मगर बदनाम नहीं हूं, सिया को साथ लाए मैं तो वो राम नहीं हूं। अब यहां भी बदला है। सोचा धोबी ने, चुकाने को बात इतनी ही काफी है आग लगाने को। रूप में जब राम कथा कह रहे थे जानकी ने तोती को कैद कर लिया। तोती और तोता आपस में बात कर रहे हैं कि राम जी आएंगे, धनुष तोड़ेंगे, विवाह होगा, जानकी का वन होगा। तो जानकी ने कहा कि मेरी ही बात कर रहे हैं। तोती को कैद कर लिया कि जब तक ये तेरी बात सत्य नहीं होगी तब तक तू मेरे पास ही रहेगी। तोते ने कहा कि छोड़ दे जानकी, छोड़ दे, ये गर्भवती है। लेकिन जानकी जिद पे अड़ी रही, नहीं छोड़ा। तो उस तोते ने प्राण त्याग दिया और प्राण त्यागते त्यागते उस समय कहा, हे सीते, जिस वक्त तू गर्भवती होगी तब भी तू अपने पति से दूर हो जाएगी, और उसका कारण कोई नहीं, मैं ही बन के आऊंगा। उस धोबी ने कहा कि मैं वो राम नहीं हूं जिसने सीता को घर में रख लिया। सोच धोबी ने वह बदला अब चुकाने को, बात इतनी ही काफी है आग लगाने को, बात इतनी ही काफी है आग लगाने को। सुना जब वासी अवध में आए, भैया जी फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, प्रयास किया गया मेरी तरफ से,
बात इतनी काफी है आग लगाने को। लेकिन अवध वासियों को जब ये पता लग गया कि राम जी आ रहे हैं तो सब कह रहे कि हमारे करेजा की आग बुझ गई। बात इतनी ही काफी है आग बुझाने को। उपेंद्र यादव जी किया कि ना सिया, हाँ किया कि ना हुआ। वाह भाई वाह। अब मैंने एक लाइन लगाई थी, हाँ कल्पना। वाह भाई, मैंने इधर नहीं कहा है। और सम्मानी महान कलाकार हैं, हम तो कोई कलाकार नहीं है ना, बजाना ये मस्ताना जी बजाए ताली। हाँ ये मस्ताना बहुत बढ़िया। आपके जवाब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। खुदा की कसम बाबा बम्बा वाले की कसम, अरे ये ऐसे हैं ये घर के घर लूट लेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बात आई। कौन सी? के हुस्न हाजिर है की सजा पाने को। अब न जाने कुछ और बातें लगाई थी अपनी तरफ से। हाँ हाँ न जाने क्या क्या बात, बहुत सुंदर बात है। कोई फिर में भी बढ़िया बात ही कहूंगा मैं अपनी तरफ से। बात केवल इतनी है, बात इतनी है आग लगाने। आग लगाने हो गई ये ना, ये नादिया की आवाज नहीं है। सोचा था सीने आपस में फिर बढ़ाने को। ये आप कह रही पापी इतनी है काफी आग लगाने। आपने कई जगह आग लगाई। अब ऐसा करना आपने
कई जगह आग लगाई, लेकिन मैं भी तुम्हें दो जगह ऐसी आग दिखा रहा हूँ। अब सुनिए, मैं अंधे के अंधे होते सोचा बेचारा, ये नहीं सोचा बेचारा कि अंधे के अंधे होते। द्रौपदी जी कह दिया, द्रौपदी जी ने लेकिन सोचा बेचारा नहीं कि अंधे के अंधे होते, लेकिन फिर हुआ क्या? अंधे के अंधे होते कहा ना सोचा बेचारा, कौन छोड़ा है कौन, कौन छोटा है कौन, बड़ा ये कैसे उचारा। लेकिन ये भी नहीं मालूम है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। वही बड़ा है कांटे है लूट देख पो है चाली, हंसी पर लगी है गाली, यानी वहां पर हंसी वहां लगी है गाली, हंस करके कहा तो गाली लग गई के अंधे के अंधे। अब जब हंसी महल लगी है गाली, बजी एक हाथ से ताली, एक हाथ से ताली बजी, तब क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि कहा है हंसी जो द्रौपदी मां देखा, हंसी मां द्रौपदी ये नीचा तक दिखाने को, हंसी मां द्रौपदी देखो नीचा दिखाने को, हंसी इतनी काफी है बस आग। जय हो, बहुत सुंदर। संजय भाई अब दूसरी बात सुनो, सेदालाल सम्मानी विराजमान है। दूत पांडवों के दूत बन के हस्तिनापुर कृष्ण आए, हस्तिनापुर में भगवान कन्हैया गए, आपस में संध कराने अनुमय है नियम कराए, अब कन्हैया ने कहा कि ऐसा करो ये लड़ाई मंडालो तुम लोग, ज्यादा नहीं दो तो केवल थोड़ा सा ही कुछ दे दो, थोड़ा सा ही कुछ दे दो। लेकिन हुआ क्या? ना एक काम दूंगा, ना तो काम दूंगा, सुई की नाक भर भी ना कोई काम दूंगा, तब क्या हुआ? क्या कल्पना जी, बाप चरासी काफी है वो आग बढ़ाने को। अब देखिए ये आग कैसी लग रही है, यह है जवाब। बाप चरासी काफी है आग बढ़ाने को, हंसी बस इतनी बहुत है थोड़ा आग लगाने, बहुत हंसी मत इतनी ही काफी है आग लगाने, हंसी बस इतनी काफी है आग लगाने, हंसी बस इतनी काफी है आग लगाने। आग लगाने
मैं कोई विद्वान नहीं, मैं केवल इसी कलाकार के चरणों की धुन नहीं। नहीं बढ़िया भाई, जो ताऊ जी कह रहे हैं वो बात उनकी सही है, लेकिन हम इनके बराबर, हम तो बच्चे हैं। चलिए दोनों ही बताएंगे, दोनों लोग बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे भाई, बच्चे हैं। बहुत सुंदर।